लगता है किसी ने इसे सोते हुए ही मार दिया। हाँ, पर ताज्जुब की बात यह है कि इसे एक नहीं दो बार मारा गया है। यहां गोली का घाव है और यहां ये चाकू। डबल मर्डर ऑफ अ सिंगल पर्सन। इसका मतलब चीफ, कातिल दो हैं। एक ने इसे शूट किया और एक ने चाकू मारा। क्योंकि एक कातिल दो हथियारों से खून क्यों करेगा? लगता है ये कातिल का स्टाइल है। कम ऑन साहिल, हर वक्त मजाक, और कभी तो सीरियस हुआ करो यार। दिस टाइम आई एम सीरियस। इसे अगर पहले किसी ने शूट किया है तो दूसरा कातिल आकर इसे चाकू मारने की बेवकूफी क्यों करेगा? और अगर इसे पहले से चाकू मारा गया है तो कोई इसे शूट क्यों करेगा? आई एम श्योर ये किसी एक ही आदमी का काम है। यह हो सकता है, हो सकता है, लगता है शायद कोई हमें गुमराह करना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि अंधेरे में चाकू मारने वाले को ये पता ही नहीं था कि ये बेचारा तो पहले से ही किसी की गोली का शिकार है। लाश सबसे पहले किसने बरामद की? वो जो वहां बैठे हैं, इनकी फ्रेंड। आप मरने वाले की आई मीन टू से सुधांशु बोस की फ्रेंड है? जी हाँ। सिर्फ दोस्त है या फिर? हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन बात कभी दोस्ती से आगे नहीं बढ़ी। आप दोनों सेम प्रोफेशन में थे ना? जी हाँ, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और सुधांशु एक आफ्टरनून न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे। फिर तो आप इनके सारे दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जरूर जानती होंगी। जी हाँ, दोस्त तो बहुत कम थे सुधांशु के, लेकिन दुश्मन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। न जाने कितने ही लोगों ने सुधांशु को फोन पर जान से मारने की धमकियां दी थी, लेकिन सुधांशु कभी डरा नहीं। उसका मानना था कि जो जो लोग सच लिखने से डर जाते हैं उन्हें पत्रकारिता छोड़कर मूंगफलियां बेचनी शुरू कर देनी चाहिए। आपने लाश को पहली बार कब देखा? सुबह जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने दो तीन बार डोरबेल बजाई और उसके बाद फोन भी ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने दरवाजा नॉक किया, पता चला दरवाजा खुला हुआ था और देखिए संभालिए अपने आप को। लेकिन एक बात बताइए, हमने सुना है कि सुधांशु बोस जाने माने समाज सेवक माणिक राव के बारे में कुछ लिखने वाले थे, आई मीन उनकी पोल खोलने वाले थे। क्या आप जानती हैं इस बारे में? जी हाँ, इसीलिए माणिक राव ने सुधांशु को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी? कब दी थी धमकी? कल मेरे सामने। तुम यकीन नहीं करोगी नादिया, माणिक राव के बारे में मुझे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो अगर पढ़ेगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। What? यार तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने वो इंफॉर्मेशन किसी और अखबार को भेज दी तो? घबराओ मत, मैं जिन अखबारों के लिए काम करती हूँ ना उन्हें माणिक राव जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे
तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। सच पूछो तो मैं अभी तक ये उलझन में हूँ कि मुझे ये बात अपनी कवर स्टोरी में डालनी चाहिए या नहीं। क्या उसकी कोई पर्सनल लाइफ की बात है? हाँ, ऐसा ही कुछ। मैं उसके पॉलिटिकल करियर की बखिया उघेड़ने में लगा हूँ, ऐसे में उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम सोचते बहुत हो। अच्छा तुम बातें करो, मैं इसमें थोड़ी आइस और डालकर आती हूँ। हेलो सुधांशु बोस। हाँ बोल रहा हूँ। माणिकराव बोलतो है, ओळख ले का माला, मतलब पहचाना क्या? ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं पहचानता है। पहले तो लोग सिर्फ आपको पहचानते थे, अब तो आपको जानने भी लगेंगे। ए सुधांशु, ये क्या रे, क्या ये मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा छाप के तेरे को क्या मिलेगा रे? हेलो मैं काय म्हणतो है, तू आके मिलना मेरे को। हां जरूर, परसों तुम्हारी कवर स्टोरी छप रही है, उसके बाद आके मिलता हूँ। अरे बाबा, ये ऐसा मेरे बारे में खराब खराब छापेगा ना तो मेरा नाम खराब होता है रे। तेरे को वो कहावत तो मालूम ही है ना, जीवो आनी जीने दो। मतलब? हाँ, मतलब क्या है कि अभी देख, तू मेरे बारे में ऐसा अच्छा अच्छा छापेगा ना तो मैं भी तेरे को अच्छा अच्छा चीज भेजता रहेगा रे। अगर मेरे बारे में कुछ भी खराब खराब छापा ना तो तेरी अर्थी पर चढ़ाने के लिए फूल भेजना पड़ेगा मेरे को। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी समझना है तो धमकी समझ, चेतावनी समझना है तो चेतावनी समझ, जो समझना है समझ रहे बाबा। पर आज शाम तक तेरे पेपर में अपना माफीनामा नहीं छपाना, कल सुबह तक तेरे पेपर में तेरे फोटो के साथ मेरा खबर छपेगा, पत्रकार की दुर्दांत हत्या। देखते हैं कल के अखबार में मेरी हत्या का समाचार छपता है या परसों के अखबार में तुम्हारी आत्महत्या की। उस समय मुझे लगा कि माणिक राव फोन पर सुधांशु को डराने के लिए सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो धमकी सच हो जाएगी। माणिक राव, आई थिंक हमें सबसे पहले इस माणिक राव से पूछताछ करनी होगी। ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। अरे भाव साहब, न्यूज पर पढ़ा आपने? अरे वो सुधांशु था ना, वो बोस, सुधांशु बोस पत्रकार। हाँ वही जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, उल्टा लिख रहा था आपके बारे में, उसका मर्डर हो गया। अच्छा हाँ, अब ये तो होना ही था। अभी ऐसे पावरफुल लोगों के साथ पंगा लेगा तो नतीजा तो यही होएगा ना। बगू दिया, पत्रकार सुधांशु की दोहरी हत्या। दोहरी हत्या मतलब डबल मर्डर। ये माला काय वाटते माहिती है, बहुत सारा लोगों के साथ ऐसा दुश्मनी लेके बैठा होगा, इसीलिए तो एक नहीं दो दो हत्यारे उसकी हत्या करने के लिए पहुंच गए। ए बगरे, अरे भाऊ साहब वो कोई कमांड फोर्स? ये उदे रे बाबा, ये उदे। मेजर राठौड़ कमांड फोर्स। अरे अरे मेजर राठौड़ साहब, या चर्चा सुना है आपके बारे में है? तो बोली क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? माणिक राव जी, सुधांशु बोस नाम के एक पत्रकार की हत्या के बारे में हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं।
बहुत दुख हुआ सुन के। अच्छा पत्रकार था। देखिए ये एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी सर, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि उसके हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैडम राव जी, ये सुना है कि ये सुधांशु बोस आपके बारे में अखबारों में बहुत अनाप शनाप लिखता था, जो आपको पसंद नहीं था, राइट? मेजर साहेब, कभी ऐसा गाड़ेला मुर्दा उखाड़ेगा तो बात तो बढ़ेंगे ही ना। मेरे को बोलो ऐसा काय को करने का। अभी मेजर साहब आपके साथ आपके बारे में ऐसा कोई खराब खराब लिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? माणिक राव जी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आपने सुधांशु बोस को जान से मारने की धमकी दी थी। मतलब क्या है, मतलब क्या आपका? भाऊ साहब ने धमका उसको। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? साला है मेरा ये माजी भाई को, उसका दूर का भाई है, बोले तो कजिन। मिस्टर भावेश, इस मामले में आप बीच में ना ही बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। अरे ऐसे कैसे बात करते हैं आप? आप मेरे पति पर, उसके भाऊ साहब पर हत्या का आरोप लगाएंगे और हम ऐसे चुपचाप बैठेंगे? ऐसे कैसे बात करते हैं आप? शुभंगी बस गए, पूछने देना उनको जो पूछना है। हाँ तो माणिक राव जी, आपने सुधांशु बोस को जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने? अरे गुस्से में कुछ बोल दिया होंगे अभी, मेरे को तो याद भी नहीं है। तभी क्या है, मैं तो उसको मार ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो इधर था ही नहीं, मैं तो पूना में था, रैली अटेंड करने गया था। नहीं नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका कत्ल आपने अपने हाथों से किया हो। ये भी तो हो सकता है कि आपने उसकी सुपारी दी हो, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई खास शुभचिंतक उसने आपके लिए सुधांशु बोस की हत्या की हो। सबूत है क्या भाऊ साहब के खिलाफ? कोई सबूत है कि आपके पास? हाँ फिलहाल तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर हम बहुत जल्द सबूत हासिल कर लेंगे। तो पहला सबूत लेके आने का, फिर बात करने का, ऐसा आके भाऊ साहब को परेशान नहीं करने का, समझा क्या? एक बार हमें सबूत मिल गए तो हम यहां बातें करने नहीं आएंगे, गिरफ्तार करने आएंगे आपको और आपके भाऊ साहब को। चलिए या आता, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने का है मेरे को। या थैंक यू वेरी मच माणिक राव जी, जरूरत पड़ी तो दोबारा आपको परेशान करने आएंगे। या आता। मानते ये आदमी मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा। टेंशन नहीं लेने का रही, कुछ नहीं कर पाएगा वो, कोई सबूत नहीं है उसके पास, क्योंकि जब ये मर्डर हुआ तो भाऊ साहब इधर शहर में थे ही नहीं, है ना भाऊ साहब? मुझे लगता है चीफ, माणिक राव ने सुधांशु को खुद नहीं मारा, उसने जरूर किसी और को यह काम दिया था। हाँ लेकिन सवाल यह है कि एक ही आदमी का कत्ल दो बार क्यों करवाया गया? क्या उसने दो लोगों को सुपारी दी थी, या फिर कोई और भी है जो सुधांशु का दुश्मन था? शायना इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि कोई मरे हुए आदमी को क्यों मारेगा? हो सकता है कि दूसरी बार जिसने हमला किया उसे ये पता ही नहीं था कि वो पहले से मर चुका है।
I think you're right, Abhinav. पहले एक कातिल आया और उसने सुधांशु का कत्ल किया और वहां से चला गया और फिर जब दूसरा कातिल वहां आया उसे लगा कि सुधांशु जिंदा है इसीलिए उसने सुधांशु पर दोबारा हमला किया और वो भी वहां से फरार हो गया चीफ एक अच्छी खबर है सुधांशु की पीठ में जो चाकू घोपा गया है उस पर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो गए गुड एक खास बात और ये बंदा आज से 7 साल पहले चोरी चकारी के केस में 6 महीने की सजा काट चुका है और आजकल माणिक राव का खास है हाँ तो ये बगा क्या करने का है और कैसा करने का है ये भावेश आपको समझाए ए समझो रे हो भाव अभी कल पार्टी कार्यालय में मीटिंग लेंगे ठीक है कोई भी शंका उधर बोलने का अभी जाओ ए भाव कमांड फोर्स वाले पुनः आले उधर है उधर या मेजर साहब या क्या हुआ कोई सुराग मिला पत्रकार के हत्यारे का माणिक राव जी सुराग नहीं हमें सबूत मिल गया है और याद है मैंने उस दिन आपसे कहा था कि जिस दिन हमें सबूत मिल जाएगा उस दिन हम बातें करने नहीं आएंगे गिरफ्तार करने आएंगे अरे ऐसा कैसे गिरफ्तार कर लेंगे आप भाव को हाथ लगाकर दिखाओ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे शहर में आग लगा देंगे उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि हम यहां आपके भाव साहब को गिरफ्तार करने नहीं आए भावेश ये सब क्या हो रहा है और ये लोग यहां फिर से क्यों आए सुधांशु बोस के हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको भी हिरासत में ले लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओ भाई थांबा आप लोग मेरे को गिरफ्तार करने नहीं आए तो किसको गिरफ्तार करने आए हैं हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं जिससे आपके कहने पर सुधांशु बोस की पीठ में चाकू छोड़ा पर उसने सबसे बड़ी गलत ये कर दी कि उस चाकू पर अपनी उंगलियों के निशान भी छोड़ दिए अगर कोई प्रोफेशनल किलर ने यह काम किया होता तो कभी वो ऐसी गलती ना करता चोर उचक्का मवाली अगर ये काम करेगा तो किसकी बात कर रहे आप लोग आपके भ्राता श्री की मिस्टर भावेश कुमार भावेश नहीं 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 भावेश ऐसा कर ही नहीं सकता सो उस चाकू पर भावेश के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो ये बात तय है कि ये चाकू भावेश ने मारा है और ये चाकू भावेश ने किसके कहने पर मारा था ये तो भावेश हमें बता सकता है भावेश हाँ मैंने मारा चाकू उसको लेकिन मैंने किसी के कहने पर नहीं मारा मैं तो उससे बात करने गया था उसको जान से मारने थोड़ी गया था नमस्कार बोस बाबू कशा है तुम यहां क्यों आए हो
आने के लिए भेजा? अरे नहीं नहीं, उनको तो पता भी नहीं कि मैं इधर आया। क्या चाहते हो? नहीं देखो बोस बाबू, हमको तो कुछ नहीं मांगता है, लेकिन हाँ तुमको कितना मांगता है अपना मुंह बंद करने के लिए वो बोलो। मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। अच्छा देखो बोस बाबू, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं तुमको, हाँ? हमारा भाऊ साहब के बारे में उल्टा सीधा नहीं लिखने का, बंद करो उसको। हमारे भाऊ साहब भगवान है हमारे, और हमारे भगवान को कोई उल्टा सीधा बोले या उनके बारे में लिखे तो हम उसका गला कलम कर देते हैं, समझे तुम? भावेश, तुम मुझे रिश्वत देने आए हो या धमकी देने? अरे ना ना बोस बाबू, हम क्यों धमकी देंगे आपको, हम तो सिर्फ आपका मुंह बंद करने के वास्ते आए इधर। हमारा मुंह बंद नहीं होगा और हमारा कलम भी बंद नहीं होगा। हमारा कलम जो सच है वो लिखते रहेगा। सोच लो बोस बाबू। भावेश, तुम जिसे भगवान समझ रहे हो ना, वो भगवान नहीं, शैतान है। शैतान इतना बेईमान, कमीना और पापी आदमी मैंने और दूसरा नहीं देखा है। राजनीति के नाम पे दाग है दाग। हमारे देश में पॉलिटिशियन लोगों की इमेज जो खराब हुई ना, वो ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों को सरेआम खड़े करके कोड़े मारने चाहिए, कोड़े। सुंदर बॉस, चिल्लाओ मत। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। मैं गुस्से में चाकू मारा उसको, लेकिन बाद में मैं घबरा गया और मैं डरकर उधर से भाग गया। तुमने उसे शूट नहीं किया? अरे मैं कैसे शूट करता, मेरे पास गन किधर को थी? तो फिर उसे गोली किसने मारी? अरे मेरे को क्या पता, बाद में उधर आके कोई अंधेरे में उसको शूट किया होगा। हे भावेश, काय काय केलस काय रे तू है, हा? अरे क्या गरज थी ऐसा करने की? भाऊ साहेब, मेरे को कोई दुख नहीं है इस बात का। मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ए शुभांगी, भाऊ साहेब का ख्याल रखना। हाँ फिलहाल तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अभिनव, साहिल, कमाल की बात है, वो आदमी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर ले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है, अगर भावेश ने सुधांशु को चाकू मारा था तो फिर सुधांशु को दोबारा गोली किसने मारी? भावेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाश चेक कर एक बात साफ जाहिर है कि पहले उसे गोली मारी गई और फिर चाकू। लेकिन भावेश तो ये कहता है कि जब वो वहां पर पहुंचा तब सुधांशु जिंदा था। मैंने कहा ना, वो झूठ बोल रहा है, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसको? ऑब्वियसली उसी आदमी को जिसने सुधांशु को शूट किया था। फिर तो हो सकता है कि उसने जानबूझकर लाश पर चाकू से वार किया ताकि वो हमें गुमराह कर सके। हो सकता है। हेलो सुब्रमणि, सुधांशु बोस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हाँ वो मैं भी जानता हूं कि उसकी मौत या तो चाकू लगने से हुई या तो गोली से।
और ना ठीक है, जैसे ही पता चलता है हमें इन्फॉर्म कर देना। शाइना, बैलिस्टिक रिपोर्ट आई? नहीं जी, अभी तक नहीं आई। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, अब तक तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए। हेलो, हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे, कहिए क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, आर यू श्योर? ओके चीफ, श्रीवास्तव का फोन था, उसे पता चल गया कि गोली किस गन से चली है और उसका मालिक कौन था। रियली? लेकिन वो ये कैसे बता सकता है कि गन का मालिक कौन है? वो तो सिर्फ एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट है ना। वो कह रहा है कि उसके पास साल भर पहले ऐसी ही बुलेट आई थी जो उस आदमी पर चली थी जो माणिक राव के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। साहिल, याद है वो केस? हाँ, कोई ऑपोजिट पार्टी का कार्यकर्ता था जो प्रोटेस्ट करने आया था। फिर तो आप लोगों को यह भी याद होगा कि गोली किसने चलाई थी, खुद माणिक राव ने, और वो भी अपनी रजिस्टर्ड गन से। माननीय पत्रकार साहिबा, साजिश षड्यंत्र है ये हमारे विरोधियों का हमारे खिलाफ। अरे हमें नीचे गिराने के लिए हमारे साले को फंसाया। लिखना, ये खास लिखना अखबार में। लेकिन चाकू पर भावेश के उंगलियों के निशान मिले हैं। तेज तर मंटो है ना, वही तो। अभी मैडम आप ही मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा मूर्ख आदमी होगा जो खुद ही मर्डर करके चाकू उधर ही छोड़ देगा। और इतना ही नहीं, ऐसा चाकू पर अपना छाप भी छोड़ेगा। फिक्स है सब, फिक्स। लेकिन भावेश ने तो अपना जुर्म कबूल किया है। करना पड़ता है ना। अभी क्या ये मर्डर के आरोप में से बचने के लिए थोड़ा झूठ मूठ तो बोलना पड़ता है ना। पर सच क्या है वो कोर्ट में बताएगा। देखिए, भावेश ने कोई मर्डर किया ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर माणिक राव। खून भावेश नहीं, किसी और ने किया। लेकिन आप लोग फिर क्यों आए? भावेश को फंसा के आपको शांति नहीं मिली? भावेश को हमने नहीं, भावेश ने खुद अपने आप को फंसाया किसी को बचाने के लिए। अरे, किसको बचाने के लिए रे बाबा? उसी आदमी को बचाने के लिए जिसे भावेश अपना भगवान मानता है। और इसीलिए भावेश ने सुधांशु की लाश को चाकू मारा और उस चाकू पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए ताकि वो उस आदमी को बचा सके जिसने सुधांशु को गोली मारी थी। पर ऐसा हो न सका। गोली? अरे किसने मारी गोली? ये तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि गोली आपकी रजिस्टर्ड गन से चली। एक मिनट, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये इन्होंने शूट किया उस पत्रकार को? आप लोग शायद भूल रहे हैं, मैं तो उस दिन पुणे में था, मैंने बताया था आपको। है ये ठीक कह रहे हैं, उस दिन मैं भी पुणे गई थी इनकी रैली कवर करने। हाँ, पर आपने आपकी रजिस्टर्ड गन किसी और को दे दी होगी सुधांशु का खेल खत्म करने के लिए। वो गन किसी को नहीं दिए इन्होंने, चोरी हो गई थी दो दिन पहले, हमने जाके पुलिस कंप्लेन भी करवाई। चाहिए तो आपको पावती दिखाओ। अच्छा, तो दो दिन पहले ही आपने सुधांशु बोस को मारने का प्लान बना लिया था? नहीं रे, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरे को और मेरे साले को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया। मंजे का है कि आमी दोगा आद गेलो, मतलब उसका रास्ता साफ। चलिए माणिक राव जी, आपने हमें इतना सब कुछ बता ही दिया है, ये भी बता दीजिए कि ये प्लान बनाया होगा किसने? तैसे का है मेजर, जो चांगला मानुस होता है ना, मतलब मेरे जैसा अच्छा अच्छा मानुस, उसका बहुत सारा दोस्त होता है।
वैसे ही उसका दुश्मन भी बहुत सारा होता है। समझे? क्या लगता है चीफ, क्या नेताजी को सचमुच कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, या तो उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधांशु किसी और की स्टोरी पर भी काम कर रहा हो और उस आदमी को ये पता चल गया हो, इसलिए उसने माणिक राव और सुधांशु की दुश्मनी का फायदा उठाकर उसे मार दिया। हाँ, ये थ्योरी पर भी काम किया जा सकता है। पता लगाओ कि सुधांशु और किस स्टोरी पर काम कर रहा था। साहिल उस पर काम कर रहा है। लेकिन चीफ, एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चली। सुधांशु के पास से रेलवे लॉकर की एक स्लिप मिली है। रेलवे स्टेशन के लॉकर की स्लिप? हाँ, हफ्ता भर पहले उसने वीटी स्टेशन के लॉकर में कुछ जमा करवाया था। शायद हमें उससे कुछ पता चल जाए। Then I'm gonna check it right now. कुछ भी हो जाए, ये मामला बहुत उलझता जा रहा है। हमें इस केस के सिरे तक पहुंचना ही होगा। चीफ, मुझे रेलवे लॉकर से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला है जिस पर हस्बैंड का नाम स्वप्निल खेर और वाइफ का नाम सावित्री भाई है, और कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले जिनसे ये पता चलता है कि माणिक राव की लाइफ में वो कौन से दो राज थे जिन्हें फाश करने के लिए सुधांशु सोच रहा था। राइट चीफ। सावित्री भाई। सावित्री? अरे बाबा, कौन सावित्री? मैं किसी सावित्री को नहीं जानता। माणिक राव जी, मैं मानता हूं कि आप किसी सावित्री को नहीं जानते, पर वो सुधांशु बोस जानता था सावित्री को, और शायद ये शुभांगी जी जानती है। शायद जानती है ना आप सावित्री को? मैं नहीं, तो मैं कुछ नहीं जानती। कौन है ये सावित्री? वही सावित्री जिसने आज से 7 साल पहले पुणे के मैरिज रजिस्ट्रार के सामने स्वप्निल खेर से शादी की थी। अरे बाबा, ये क्या पहली पूछने को आया है क्या इधर तुम? एक मिनट माणिक राव जी, एक मिनट। शुभांगी देवी, आपको अभी भी याद नहीं आया? ये फोटोग्राफ देखिए, आया कुछ याद? आया? माणिक राव जी, आप सावित्री बाई को नहीं जानते। ये देखिए, सावित्री बाई अपने पति स्वप्निल को वरमाला पहना रही है। नहीं नहीं, ये सब खोटा है, झूठ है, ये सब झूठ है। ये फोटोग्राफ भी झूठा है। क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट भी झूठा है? क्या ये? शुभांगी, मेरे को धोखा दिया? अरे, आज तक जिसको मैं तुम्हारा भाई समझता था वो तुम्हारा नाजायज। नहीं 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 माणिक राव जी, नहीं, वो नाजायज सही, नाजायज तो आप है, क्योंकि इनकी आपसे शादी हुई उससे पहले इनकी शादी भावेश उर्फ स्वप्निल से हो चुकी थी। और जब आपका इन पर दिल आया तब इन्होंने इस बात का फायदा उठाया और अपने आप को स्वप्निल का कजिन बताया। और सुधांशु बोस, जो आपकी जिंदगी के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा था, वही सुधांशु इनकी जिंदगी की पास्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ जान चुका था,
और एक शरीफ पत्रकार होने के नाते सुधांशु ने इन्हें आकर ये बताया कि वो इनकी पास हिस्ट्री के बारे में कुछ जान चुका है। बस उसी वक्त इन्होंने ये तय कर दिया कि वो सुधांशु को मारकर अपने रास्ते से हटा देगी और इन्होंने प्लान बना दिया और आपकी गन चोरी होने की कंप्लेन लिखवा दी। मैं सच कह रहा हूं ना शुभांगी देवी उर्फ सावित्री बाई। हाँ, हाँ ये सच है। तो और क्या करती मैं? क्या करती? जिस मान सम्मान शानो शौकत के लिए हम पति पत्नी ने अपने प्रेम को त्याग दिया, उसे मैं ऐसे ही जाने देती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन रात को ये पूना के लिए घर से निकले, कुछ देर बाद मैं भी गन लेकर उसके घर पे गई। मैं 2 घंटा उसके घर के बाहर खड़ी रही, उसके सो जाने की प्रतीक्षा करते हुए। जब मुझे लगा कि वो सो गया है, मैं घर में घुसी। मेरे पास एक चाबी थी जो स्वप्निल ने एक बार मेरे को बना के दी थी, जिससे सब ताला खोल सकते हैं, मास्टर की बोलते हैं उसको। और फिर तुमने उसे शूट कर दिया और वहां से चली गई। लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे पहले पति स्वप्निल उर्फ भावेश ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए लाश को चाकू मारा और उस चाकू पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए ताकि हम या पुलिस तुम तक ना पहुंच सके। लेकिन बदकिस्मती से उसकी वो कोशिश भी नाकाम रही। तो शुभांगी देवी उर्फ सावित्री बाई, हम आपको सुधांशु बोस के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यस चीफ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सुधांशु बोस की मौत ना ही चाकू से हुई है, ना ही उस रिवॉल्वर की गोली से। What? चीफ, सुधांशु बोस की मौत जहर से हुई है। उसके पेट और उसके ड्रिंक में जहर पाया गया है। इसका मतलब ये डबल मर्डर नहीं, ट्रिपल मर्डर है। पर ये कैसे हो सकता है? अगर उसके ग्लास में जहर पाया गया तो बोतल में जहर कैसे नहीं पाया गया? चीफ, जाहिर सी बात है, कातिल ने उसके ग्लास में ही जहर मिलाया होगा। नो, हाउ इज दिस पॉसिबल? शुभांगी के बयान के मुताबिक उस वक्त सुधांशु घर में बिल्कुल अकेला था। उस वक्त ना ही घर में कोई आया ना कोई गया, तो फिर उसके गिलास में जहर मिलाया किससे? सुधांशु खुद तो अपने ड्रिंक में जहर नहीं मिलाएगा ना? शायद शुभांगी झूठ बोल रही है। नहीं शायद, झूठ कोई और बोल रहा है। क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नादिया जी, हुआ यूं है कि अचानक ये केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, तो अब हमें ये लगता है कि शायद इस केस में आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? नादिया जी, लाश को पहली बार आप ही ने देखा था, राइट? जी हाँ। और जब आप यहाँ पर आई थी तो दरवाजा खुला था। जी हाँ। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपने किसी चीज को छुआ तो नहीं ना? नहीं, लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुधांशु की मौत गोली या चाकू से नहीं हुई, जहर से हुई। What? जी। और ये जो जहर था वो सिर्फ ग्लास में था, बोतल में नहीं। Oh my God! इसका मतलब है कि उस रात सुधांशु के साथ कोई और भी था जिसने उसके ग्लास में जहर मिला दिया होगा। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है? I don't know. मैं तो उस रात पुणे में थी,
मानिक राव की रैली कवर कर रही थी। या 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 या, या आप तो सर उस दिन पुणे में थी ना, लेकिन अचानक दूसरे दिन सुबह सुबह आप सुधांशु के घर कैसे पहुंच गई? वो सुधांशु ने मुझे कहा था कि उस रैली के कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ अपडेट्स मैं उसके लिए ले आऊं, तो इसीलिए। Are you sure कि आप जब यहाँ आई थी तो आपने किसी चीज को छुआ नहीं था? I'm sure. लेकिन जो बात हमें पता चली उसके मुताबिक तो सुधांशु उस रात घर में अकेला था, और सुधांशु खुद तो अपने ड्रिंक में जहर नहीं मिलाएगा, तो ग्लास में जहर पहुंचा कैसे? हाँ, ग्लास में जहर पहुंचा कैसे, समझाता हूँ आपको। नादिया जी, आप ये फोटोग्राफ देखिए, ये ग्लास के बाजू में जो पानी पड़ा है वो कहाँ से है जानती हैं आप? आइस ट्रे से। आइस ट्रे? हाँ नादिया जी, ये जो जहर था वो शराब में नहीं था बल्कि आइस क्यूब में था। किसी ने पहले से आइस ट्रे में जहर मिला दिया था ताकि सुधांशु जैसे ही अपने ड्रिंक में आइस क्यूब डाले वो जाम उसकी जिंदगी का आखिरी जाम बन जाए। लेकिन आइस ट्रे में जहर मिलाया किसने? उसी ने जिसने आइस ट्रे वहां से हटाई थी। और टेबल पर पड़ी हुई ये पानी की बूंदे साफ साफ बता रही हैं कि ये आइस ट्रे यहीं पर रखी गई थी और सुबह किसी ने उसे हटाया है। इसका मतलब साफ है, कातिल सुबह वापस आया, उसने ट्रे को साफ किया और फ्रिज में वापस से लगा दिया, और फिर फोन करके सुधांशु की मौत की खबर पुलिस को दे दी। ओ, आप लोग मुझे फंसा रहे, लगता है आप लोगों को मानिक राव ने खरीद लिया है इसलिए। नादिया जी, क्या मैं आपका बैग देख सकती हूँ? व्हाट? एक मिनट। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, आपने अब तक ये जहर की शीशी संभाल के रखी है। क्या मजाक कर रही हैं? ये शीशी आपने मेरे बैग में रख दी होगी। नहीं, इसी शीशी से जहर मिलाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारी बात मानिए, ये वही शीशी है। मैंने कहा ना आपसे, ये वो शीशी नहीं हो सकती। ये वो शीशी क्यों नहीं हो सकती? बोलो, क्यों नहीं हो सकती ये शीशी? क्योंकि वो शीशी मैंने फेंक। बताओ तुमने सुधांशु को क्यों मारा, बताओ? क्योंकि वो मेरे करियर में दीवार बनकर खड़ा हुआ था। वो जॉब मुझे ऑफर हुई थी लेकिन उसने हड़प ली, उसने कभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। उसे मारने का प्लान तो मैंने बहुत पहले से बना रखा था। मानिक राव के केस ने मुझे बहाना दे दिया। पहले तो लोग सिर्फ आपको पहचानते थे, अब तो आपको जानने भी लगेंगे। मैंने जानबूझकर बर्फ में जहर मिलाया ताकि सबको ये लगे कि जहर उसने मिलाया होगा जो उस वक्त वहाँ मौजूद था। कल के अखबार में मेरी हत्या का समाचार छपता है या परसों के अखबार में तुम्हारी आत्महत्या की? लेकिन अफसोस, मैंने ट्रे तो हटाई लेकिन पानी पोंछना भूल गई, उस पानी ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। देखा शायना, इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किस हद तक गिर सकता है? हम सिर्फ राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को बुरा कहते हैं, समझते हैं। हकीकत में राजनेता अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा होता है, फिर चाहे वो राजनेता हो या जर्नलिस्ट। राइट? Absolutely right, Chief.